अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में सीन ये है कि बहुत सारे हबीबियंस मुझसे कहते रहते हैं कि भाई कैफेटेरिया दिखाओ, हबीब का जो नया कैफेटेरिया बना है वो दिखाओ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको हबीब के नए कैफेटेरिया का फुली डिटेल्ड विजिट करवाऊँगा, आपको अंदर किचन से लेकर बाहर के एक्सटीरियर से लेकर सब कुछ दिखाऊँगा मैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। कैफेटेरिया के अंदर खुद बनते हैं, मैं बिस्किट वगैरह जूस वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो ये लोग खुद बनाते हैं उनके तमाम सैंपल्स यहाँ पर हमने ला दिए। आप फुरकान भाई आपको ये करके सबके बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है और ये क्या है। ठीक है, बेसिकली बेटा हर वीक का मेन्यू बनता है जिसमें चावल का आइटम, इसके अलावा करी आइटम होता है, दाल सब्जी होती है। आज आपके सामने आज बिरयानी है और मिक्स वेजिटेबल है, नान है, सलाद है, रायता है। इसके अलावा स्नैक्स के अंदर बर्गर बनते हैं, ये सबवे बर्गर कहलाता है। ये अभी मुबशिर भाई खाएंगे भी, खा के भी बताएंगे। इसमें चिकन होती है, बारबेक्यू चिकन होती है, वेजिटेबल्स होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की सॉसेज होती हैं, देख लो भाई, मस्टर्ड सॉस और इस तरह की। ये पिज़्ज़ा है जो मैंने आपको दिखाया था, डबल डेक ओवन, उसमें पिज़्ज़ा भी ये बनता है। इसमें चीज़ अच्छी क्वालिटी की और बाकायदा पैक हुआ हुआ होता है सारा आइटम, जिसमें मक्खी और कीड़े वगैरह और कोई डस्ट वगैरह नहीं जाती। शवारमा है जो बाहर आपको कम से कम 150 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 120 रुपए का। ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी 120 रुपए का, बर्गर भी 120 रुपए का। ये शवारमा है, जिंगर शवारमा, जिसमें अच्छी मायनीज और सारी चीज़। जिंगर बर्गर है, ये जिंगर बर्गर आपको 250, बल्कि अब तो इस वक्त कीमत 400 रुपए चली गई है मार्केट में, और ये हबीबियंस को स्पेशली 170 रुपीज़ का मिलता है। समोसे यहाँ के बहुत मशहूर हैं, हाथ में मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए। समोसा है, मुबशिर भाई खाएँगे अभी ये, तो ये साफ सुथरा समोसा है। समोसा 30 रुपए का, साफ सुथरे ऑयल के अंदर चिकन पराठा रोल है, बीफ पराठा रोल होता है, 100 रुपए का चिकन पराठा रोल, 80 रुपए का आपका। और आपको मीठे की चीज़, ब्राउनीज वगैरह, डोनट्स वगैरह, चमचम, ये भी मिल जाएंगे आपको भाई। हबीब जो है ना बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अब ये पुराने हबीब की तरह नहीं है कि जहाँ पर आपको सिर्फ रोल, समोसा, दाल चावल मिलेगा, अब यहाँ पर सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाहर किसी 5-star रेस्टोरेंट में मिलता है, वैसी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है मुबशिर, ये हमारा काउंटर है, मेन काउंटर सर्विंग का है। बच्चे यहाँ से आते हैं, अपना क्यू बनाते हैं और अपना सामान वगैरह वो यहाँ से लेते हैं। जूसेस हैं, आइसक्रीम्स हैं, यहाँ पर सारी भाई वॉल्स की तमाम आइसक्रीम यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये क्या है? कॉफ़ी की मशीन है जो बड़ी एक्सपेंसिव मशीन है, जर्मनी की, और इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स की चाय होती है, जिसमें कश्मीरी चाय, कड़क चाय और कार्डिमम चाय होती है। इसके अलावा कॉफ़ी है, लेटे कॉफ़ी है, कैपेचिनो कॉफ़ी है, हॉट चॉकलेट है, और अभी इंशाल्लाह और वेरिएंट इसके बढ़ाने हैं। किचन है जिसमें इस वक्त सामान सारा बन चुका है, फास्ट फूड का आइटम इसमें बनता है और इसमें खाने वगैरह की प्रिपरेशन भी वहीं पे होती है। अभी मैं आपको खाना भी दूँगा। कैंटीन है, इसका खाना बहुत ही बेहतरीन है और बड़े रीजनेबल प्राइजेस के अंदर बच्चों को अवेलेबल है, क्योंकि बाहर से अगर कंपेयर किया जाए तो यही चीज़ आपको मार्केट के अंदर डबल कीमत में मिल रही होती है। और यहाँ का फूड, एक तो ये कि हाइजीन की बहुत ज़्यादा इन्होंने केयर की हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत एक हाइजेनिक माहौल के अंदर बच्चे प्रॉपर तरीके से खाना लेते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ जो चीज़ें बनती है वो ज़्यादातर दिलशाद भाई के हाथों से ही बनती है, इन्हीं के हाथों से। तो जायका जो है ना, जायका जो है वो इन्हीं के हाथों का है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको जाता है। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आपने इतना अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत खुशी हो रही है। हम लोग तकरीबन 30-35 साल से इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, उनको हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं फूड कनेक्शन के नाम से। हमारी कंपनी है, उसका नाम है फूड कनेक्शन, फूड कनेक्शन के नाम से। और बहुत खुशी हो रही है जब आप लोगों का ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, जिसमें ब्रेकफास्ट, स्नैक्स आइटम,
लंच आइटम और इसके अलावा शेक्स, मुख्तलिफ किस्म की चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह सब यहाँ अवेलेबल होता है। आपका पूरा स्टाफ है जो बहुत अच्छे से हम लोगों को टेक केयर करता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ताबुन करते हैं।